तो यार गाइस, आज है सिंचेन का बर्थडे और हम लोग सब कोई मिल करके यार सिंचेन के बर्थडे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख रहे हो यार गाइस, अपन लोग ने भाई साहब कितने मस्त मस्त डेकोरेशन किया है, साथ में यार कुछ खिलौने भी है सिंचेन के लिए। तो यार पिंचेन और चोप, तुम लोग भी आज पूरे मस्ती में रहो यार। गाइस देखो, भाई साहब बिग डॉग भी आया है। क्या बे बिग डॉग, कुछ लाया है या फिर नहीं सिंचेन के लिए गिफ्ट में? अरे ये डायमंड की कार मैंने सिंचेन के लिए ही तो लाया है। चल यार कुछ तो लाया है, लेकिन भाई साहब ये क्या देख रहा हूँ मैं? अबे यार सिंचेन, ये गोल्ड की चोपर तेरे को किसने दी? भाई साहब क्या ही खतरनाक है ये। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये तो यार मेरे को लेस्टर ने दिया है। अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक चोपर है यार। गाइस देखो देखो भाई साहब, गोल्ड की चोपर। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा यार। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, लेस्टर बोल रहा था कि $1 million का है यार, ये 1 million का है। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। अरे यार गाइस, लेकिन भाई साहब क्या ही खतरनाक चोपर है यार, फुल्ली गोल्ड की है यार। लगता है भाई साहब लॉस सेंटोस में बहुत महंगी वाली जो चोपर है ना, वो सिंचेन के हाथ लग चुकी है। और देखते हैं यार कौन कौन क्या क्या लेकर के आया है। ये बिग डॉग तो बोल रहा है भाई साहब डायमंड की कार मैं लेकर के आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर यार ये सिंचेन को इतनी महंगी महंगी गिफ्ट क्यों दे रहा है। अबे सिमियन तू भी आया है, और तू क्या लेकर के आया है यार? अरे यार फ्रैंकलिन, मैं भी डायमंड की कार ही लेकर के आया हूँ यार, पीछे वाला मेरा कार है। ओ भाई साहब, ओ लेस्टर तू भी आया है, और तू क्या लेकर के आया है यार? अरे यार फ्रैंकलिन, सिंचेन ने तो बता ही दिया, गोल्ड की चोपर मैं लेकर के आया हूँ, सबसे महंगा वाला गिफ्ट है यार मेरा तो। अरे हाँ यार लेस्टर, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तू एक बात याद रख लेना, इससे भी महंगी गिफ्ट मैं देने वाला हूँ सिंचेन को, और तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या देने वाला हूँ आज। तो सिंचेन मेरा भी छोटा भाई है, याद रख लेना। आगे देखता हूँ कौन कौन आया। अरे भाई साहब सब डॉन लोग भी पहुंचे, सिंचेन की दोस्ती आखिर किससे किससे? ओ भाई साहब बेनी, तू क्या लेकर के आया बे? अरे यार फ्रैंकलिन, लॉस सेंटोस में अभी तो सबसे महंगा डायमंड की कार ही है ना यार, इसलिए मैं डायमंड की कार ही लेकर के आया हूँ। अबे यार बेनी, तेरे को पता नहीं कि लेस्टर और तू सब कोई मिल करके डायमंड की कार ही लेकर के आया है? भाई साहब मेरे पास तो यार एक कबाड़ वाली गाड़ी है, जो यार ऑटोमेटिक डायमंड की कार में चेंज हो जाती है, वो तो मैं यार सिंचेन को दूंगा ही दूंगा गिफ्ट में। अबे यार सिंचेन, सब कोई तुम्हारे लिए डायमंड की कार ही लेकर के आया हूँ, लेकिन भाई साहब मैं जो गिफ्ट दूंगा ना तुमको, वो पूरे लॉस सेंटोस में तेरे को कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं। अरे नहीं यार सिंचेन, भाई साहब मैं जो गिफ्ट दूंगा ना तेरे को, वो सबसे ज्यादा महंगी होगी और तेरे को पसंद भी आएगी। अरे भाई यार, तुम लोग सबको मेरे को गिफ्ट देना चाहता है, वो भी महंगी महंगी। अबे पिंचेन तू क्या देना चाहता है यार? अरे सिंचेन भैया, मेरे और चोप के पास में तो यार ज्यादा पैसे है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि दोनों कोई पैसा मिलाएंगे और तुमको कोई अच्छी वाली गिफ्ट देंगे जो तुमको पसंद आएगा यार। अरे यार पिंचेन, लेकिन तुम दोगे क्या यार, नाम तो बताओ उसका। अबे यार सिंचेन, भाई साहब मैं तो सोचा हूँ कि तेरे को यार डायमंड की यार आरसी कार देता हूँ। भाई साहब तू यार उस खिलौने से बहुत खेलना चाहता था ना, इसलिए डायमंड की यार आरसी कार दूंगा मैं तेरे को। अरे भाई यार चुप, सचमुच में यार कमाल कर दिया यार तूने। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तुम क्या दोगे यार? डायमंड की आरसी कार देने वाला है चुप और पिंचेन, तुम क्या दोगे जल्दी बताओ यार। अबे यार सिंचेन, मैं तो सोच रहा था कि भाई साहब निंजा H2R देते तुमको, लॉस सेंटोस में वैसे भी किसी के भी पास नहीं है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या बोल रहे हो यार, कावासाकी निंजा H2R बोल रहा है क्या? अरे हाँ यार सिंचेन, कावासाकी निंजा H2R, वो भी भाई साहब पूरी तगड़ी न्यू वाली, चोप और पिंचेन से भी ज्यादा महंगी होगी अब तो। अबे यार फ्रैंकलिन, भाई साहब तेरे पास समोसे खाने के पैसे नहीं है और कावासाकी निंजा H2R देने की बात करता है, क्या फेंकता है यार तू। अबे यार चोप, तेरे को पता चला ही देता हूँ मैं क्या दे सकता हूँ। अबे सिंचेन आजा तुम लोग मेरे पीछे पीछे, चल तेरे को मैं कावासाकी निंजा H2R दिला के ही रहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, रुक जा रुक जा, आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ। अरे यार पिंचेन चुप, चलो यार चलो, कावासाकी निंजा H2R देने वाले हैं यार फ्रैंकलिन भैया तो। अबे यार सिंचेन, कावासाकी निंजा H2R तो यार एक ट्रेलर है भाई साहब, ये कबाड़ वाली गाड़ी जो देख रहा है ना, इसको देने वाला हूँ तुमको, और ये वाली गाड़ी भाई साहब चलते चलते ऑटोमेटिक से डायमंड के मिलिट्री कार में चेंज हो जाती है,
अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या बोल रहा है यार, मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। ये वाली भाई साहब डायमंड की मिलिट्री कार में चेंज हो जाएगी, देखने से तो यार कबाड़ गाड़ी लगती है। चल बे चौपर इंजन बैठ गया ना तुम लोग? अरे हाँ हाँ चल चल गाड़ी भगाओ। अबे कितना धुआं फेंकता है ये वाली गाड़ी भाई साहब, कितना खतरनाक है ये, पोल्यूशन फैला रहा है यार पूरे लॉस सैंटोस में ये वाली गाड़ी। और बोलता है कि डायमंड की मिलिट्री कार में चेंज हो जाएगी, शकल देखा है ये गाड़ी कभी अपना? अबे यार चुप, तू शकल देखा है अपना? भाई साहब मेरी बातों के ऊपर तेरे को बिलीव क्यों नहीं होता? अरे यार गाइस मैं सच बता रहा हूँ यार, ये कबाड़ वाली गाड़ी भाई साहब ऑटोमेटिक चलते चलते ना, अरे यार ये डायमंड के मिलिट्री कार में चेंज हो जाती है। ओ भाई साहब ये देखो, अबे यार सिंचन अब बिलीव हुआ ना तेरे को? देख लिया ना भाई साहब कैसे यार कबाड़ गाड़ी डायमंड कार में चेंज हो गई। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, यार तू तो कमाल कर दिया भाई साहब, डायमंड कार में चेंज कर दिया यार कबाड़ गाड़ी को, ये वाली कार भी मेरी होगी ना यार। अरे हाँ यार सिंचन, ये वाली कार भी यार मैं तेरे को आज गिफ्ट में देने वाला हूँ, क्योंकि यार आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैं यार इसको भी गिफ्ट में दे देता हूँ। सबसे महंगी कार है यार ये तो, डायमंड की मिलिट्री कार। अरे थैंक यू, बहुत ही अच्छे हो यार तुम तो। अबे यार फ्रैंकलिन भाई साहब, मेरे को जो आरसी कार खरीदनी है ना, वो भी डायमंड की है, समझा ना? आगे चल कर के लेफ्ट ले लेना तू, समझ गया ना? अरे हाँ यार चोप समझ गया, मेरे को पता है तू लेस्टर की गांव के बारे में बोल रहा है ना, वहाँ पर जो अंकल यार खिलौने वगैरह बेचता है उसी जगह पे ना तुमको खरीदना है। अरे हाँ यार उसी जगह की बात कर रहा हूँ भाई साहब, उस वाली स्टोर में ना थोड़ी खिलौने सस्ती रहती है यार, थोड़ी कम प्राइस में मिल जाती है। वैसे भी मेरे और पिंचन के पास में ज्यादा पैसे है भी नहीं यार, इसलिए यार उसी दुकान पे लेकर के चलना। अरे हाँ यार चोप सुन लिया, वैसे भी अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं लेस्टर के गाँव में। अरे यार गाइस हम लोग बस अब यार स्टोर पहुंचने ही वाले हैं, तब तक आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे सिंचन लिखना मत भूलना, आज यार सिंचन का बर्थडे है। आप लोग यार अभी तक विश नहीं किया है, जल्दी से, मैं गाड़ी रोक दिया, जल्दी से आप लोग यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो हैप्पी बर्थडे सिंचन। अरे हाँ यार गाइस जल्दी से सिंचन को विश कर दो आप लोग। अबे यार फ्रैंकलिन रुक जा, यही तो स्टोर है वो वाली जहाँ पे खिलौने मिलेंगे मेरे को। अबे हाँ यार चुप, मेरे को पता है, चल आ जाओ तुम लोग सब कोई, और देखते हैं भाई साहब कौन कौन से खिलौने हैं इस स्टोर में, आ जाओ। अबे यार फ्रैंकलिन मैं डायमंड गाड़ी की रखवाली करता हूँ, पिंचन तेरे को पैसे दे देंगे, समझा ना? ठीक है। अरे भाई साहब कौन कौन से खिलौने हैं तुम्हारे पास में? आज मेरा दोस्त सिंचन का बर्थडे है, जल्दी से यार कोई अच्छी अच्छी खिलौने दिखा दो यार। अरे देखो बहुत सारे खिलौने हैं, जो खिलौना पसंद आता है खरीद सकते हो, सभी का प्राइस 1,00,000 रुपीस है। अरे यार सिंचन 1,00,000 रुपये का एक खिलौना? अबे यार तेरे को कोई पसंद आया तुमको? अरे यार प्रिंकलिन भैया डायमंड की एक भी खिलौना नहीं है यार, पिंचन और चोप तो मेरे को बोला था कि डायमंड के खिलौने चाहिए। अरे भाई साहब डायमंड की आरसी कार चाहिए मेरे को, डायमंड की है तुम्हारे पास में? वो बताओ। अरे डायमंड की बस एक ही आरसी कार है मेरे पास में, उसकी तो 5,00,000 रुपये लगेंगे, याद रख लेना, लेना है तो भाई अंदर जाके देख ले। अबे यार सिंचन एक आरसी कार तो बता रहा है कि है मेरे पास में, लेकिन भाई साहब 5,00,000 रुपये बोल रहा है, और ये वाली जितनी दिखाई दे रहा है तेरे को इसकी प्राइस 1,00,000 रुपीस है, लेकिन ये भिखमंगों के पास में 5,00,000 रुपये है या फिर नहीं मुझे तो नहीं पता। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे पास में 5,00,000 है, डायमंड की आरसी कार सिंचन भैया को दे यार, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके यार पिंचन। अरे भाई साहब मुझे डायमंड की आरसी कार चाहिए, बताओ यार वो किधर रखा है तुमने? अरे अंदर जाके देख ले भाई साहब, बस एक ही पीस है, छुपा के रखे हैं यार उसको हम तो। अरे भाई साहब बोल रहा है छुपा के रखे हैं, आखिर ये कार है किधर और है कैसा? अरे भाई साहब ये तो डंप कार है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, और यही कार तो मेरे को चाहिए थी यार, जल्दी से 5,00,000 रुपये पैसे दे दे, मैं यार इस कार को खरीदना चाहता हूँ। अरे भाई साहब मुझे आपकी कार एकदम पसंद है, सिंचन बोल दिया है कि यही कार मेरे को चाहिए, मैं तेरे को 5,00,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, समझ गया ना तेरे को? अरे थैंक यू, खरीदने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो यार गाइस फाइनली हम लोगों ने खरीद लिया। अबे यार चोप 5,00,000 रुपये लिए हैं हमने यार, खरीद लिया तुम्हारा आरसी कार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पीछे तो देखो यार,
क्या ही खतरनाक आरसी कार है ये तो। अरे भाई साहब इसको चलाने में तो यार बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को। अरे यार गाइस इसके कितने छोटे छोटे टायर से यार, बड़ी वाली यार मिलिट्री कार के सामने ये तो एकदम बच्चा सा लगता है। अबे यार सुनचैन भाई साहब आखिर गिफ्ट कौन दिया है तेरे को? मैं? अरे यार मेरे को पता था कि तेरे को ये वाली आरसी कार एकदम पसंद आ जाएगी। अरे यार गाइस देखो भाई साहब सुनचैन कितना छोटा हो गया है, मेरे गाड़ी के सामने तो यार एकदम सचमुच में बच्चा लग रहा है यार। और क्या ही मस्ती आता है, ये रिमोट कंट्रोल से भी चलती है, तेरे को पता है या नहीं? अरे नहीं यार मेरे को तो पता ही नहीं था। अरे फ्रैंकलिन भैया तुम तो यार डर गए। अरे यार गाइस ये रिमोट कंट्रोल से भी चलती है, ये देखो भाई साहब कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं। अरे यार क्या खतरनाक चलती है यार ये तो। ओ भाई साहब इसको तो चलाने के मजा ही कुछ अलग है। अबे यार चुप, मेरे को नहीं पता था यार तू इतनी अच्छी गिफ्ट देगा मेरे बर्थडे में। मैं भी यार तेरे को तेरे बर्थडे में बहुत अच्छी वाली गिफ्ट दूंगा। दो कार हो गई मेरे पास में, एक मिनी आरसी कार एक आरसी मिलिट्री कार। ओ भाई साहब क्या मस्त मस्त यार मेरे को मिले हैं, डायमंड की वो भी है यार, मेरे को तो यार लॉटरी लग गई लॉटरी। तुम लोग यार मेरे से सचमुच में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो यार, कितनी महंगी महंगी गिफ्ट दिया यार तुम लोगों ने। अबे यार पिंजन भाग 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 भाग। अरे यार मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। अरे सिंचन भैया पूरे मजे लो भाई, तुम पूरे मजे लो यार, मेरे को भी यार तुम लोग ऐसा ही गिफ्ट देना मेरे बर्थडे में। अरे हाँ यार पिंचन मैं तो यार तुमको इससे भी अच्छे वाला गिफ्ट दूंगा यार, तू तो मेरा छोटा भाई है। ये वाली आरसी कार सचमुच में यार मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब यार मैं इससे निकल जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ यार कितना बड़ा हूँ मैं इससे। ओ भाई देखो देखो देखो। अरे यार गाइस ये वाली मेरी हाइट से भी छोटी है, मैं तो यार ऑलरेडी बच्चा हूँ यार, और इससे भी छोटी वाली बाइक मिली है मेरे को। अरे यार फ्रैंकलिन भैया अब तुम क्या दोगे यार? सचमुच में पिंचन और चोप जो गिफ्ट दिए है मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। हो सकता है कि यार तुम्हारा गिफ्ट यार मेरे को पसंद ना आए, तब तुम क्या करोगे यार? तुम तो बोल रहा था कि दुनिया की सबसे महंगी कार दूंगा। वैसे भी यार मेरे को थोड़ी ठंडा पीने की मन कर रही थी, कोल्ड ड्रिंक है क्या अंकल? अरे नहीं बच्चे कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गई। अरे यार अंकल कोई बात नहीं यार, वैसे भी तुम्हारे पास जो आरसी कार है ना ये कार भी मैं खरीद लूंगा। दो चार दिन रुक जाओ यार, मुझे यार बस स्कूल से आने दे, पढ़ाई करके मैं टॉप करूंगा ना, फिर आरसी कार खरीद लूंगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया चलो यार चलो, बहुत देर हो चुकी है, अब कौन सा कार देने वाला है तू? सॉरी यार बाइक देने वाला है, या फिर तू झूठ बोल रहा था मेरे को? अबे यार सिंचन मैं यार तेरे को कभी झूठ बोल सकता हूँ? तू यार मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता है। मैंने बोला ना यार कावासाकी निंजा S2R दूंगा मैं तेरे को। चल अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। अबे पिंजन तू भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जा यार, छोटी वाली आरसी कार लेके। अरे फ्रैंकलिन भैया बैठ गया यार, चल अब जल्दी से गाड़ी भगा जोर से। ठीक है यार गाइस अब चलते हैं भाई सब कावासाकी निंजा S2R लाने के लिए। लेकिन यार गाइस तब तक यार आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अभी तक यार आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। और भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स में यार जल्दी जल्दी लिखो ना हैप्पी बर्थडे सिंचन, आज यार कम से कम तो विश कर दो यार सिंचन को, आप लोग प्यार करते हो या फिर नहीं? सिंचन का आज बर्थडे है यार, हैप्पी बर्थडे सिंचन यार जरूर से जरूर लिखो। और लाइक करने में यार आप लोग कंजूसी करते हो, जल्दी से करो। अब तो चले भाई साहब हम लोग सीधे लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक वाले घर में, यानी कि दुग्गन सेठ के घर में। यार मुझे वहीं से चुरानी है लॉस सैंटोस का सबसे महंगी बाइक कावासाकी निंजा S2R। अबे यार फ्रैंकलिन भाई साहब तू गाड़ी चोरी करके गिफ्ट करना चाहता है सिंचन को? अरे यार मैं तो सोचा था कि तू खरीद के देगा कावासाकी निंजा S2R। अबे यार चुप तू मुंह बंद कर अपना समझाना, आगे देख भाई साहब दुग्गन सेठ का आदमी लोग खड़े हैं, मेरे को देख लिया ना तो जान से मार देंगे ये लोग। मेरे पास पैसे थोड़ी है कि मैं सिंचन को यार खरीद के दूं, मुझे यार स्नाइपर से देखना पड़ेगा कि कौन कौन बंदा भाई साहब दुग्गन सेठ के आगे घर में खड़ा है। लेकिन यार गाइस ये लोग तो यार सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, मुझे यार इन लोगों को यार हेडशॉट लगाना पड़ेगा, इन लोगों को बगैर टपकाए इसके घर में घुस नहीं सकते। एक को यार मैंने मार दिया, दूसरे को भी यार मैं टपका ही देता हूँ। दूसरा बंदा भाई साहब खोज रहा है आदमी को, वो यार इधर उधर गोलियां चला रहा है, लेकिन यार मैंने उसको भी मार दिया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तेरे को पता है ना कि दुग्गन सेठ किसका नाम है? अरे भाई साहब लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक आदमी है यार, मेरे को यार तू गिफ्ट देने के लिए इतना खतरनाक जोखिम ले रहा है। अरे यार मेरे को भी नहीं पता था कि तू यार मेरे से इतना प्यार करता है यार। अबे यार सिंचन तेरे को क्या बताऊं, भाई साहब लॉस सैंटोस का सबसे महंगी वाली गिफ्ट मैं तेरे को दूंगा, आ जाओ आ जाओ। ये देखो भाई साहब दुग्गन सेठ का क्या है ये? अरे भाई साहब ये फाइटर जेट है, फाइटर जेट।
अबे यार सिंचन, देख रहा ना किसके घर में डाका डालने जा रहा हूँ मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि लॉस सैंटोस के सबसे महंगी बाइक में तेरे को दूंगा। एक बार भाई साहब किसी तरह से यार डाका डाल दूं, मेरे को यार वो बाइक मिल जाए उसके बाद तो मजे ही आ जाएंगे। तुम लोग यार एक काम करना, इधर ही छुपना, मैं जा करके लाता हूँ वो वाली बाइक। अरे ठीक है यार, ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं इधर ही रहता हूँ यार, मेरे को बहुत जोर की डर लग रहा है यार। अबे यार सिंचन डर क्यों रहा है, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आओ। अरे यार गाइस, यहाँ तो भाई सब दो बंदे थे, मैंने यार दोनों को ही टपका दिया है। अब हम लोग यार घुसने वाले हैं दुग्गन सेठ के घर के अंदर में, लेकिन यार गाइस यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी अलर्ट है भाई साहब, मुझे यार थोड़ी संभल संभल के चलना पड़ेगा। अबे यार सिंचन, भाई साहब लेफ्ट साइड में मेरे को यार कुछ बाइक्स नजर आई है, मुझे लगता है कि कावासाकी इधर ही होगा, आ जा देखते हैं भाई साहब क्या क्या है इधर। अरे हाँ यार, आ रहा हूँ। बिना यार तेरे को बाइक मिला है? अरे नहीं यार सिंचन, यहाँ तो भाई साहब दुग्गन सेठ कावासाकी निंजा स्टोर नहीं रखा है, मेरे को लगता है भाई साहब जरूर इधर ही कहीं छुपा के रखा होगा। यार वो बहुत ही महंगी वाली कार है ना, सॉरी महंगी वाली बाइक है। ये देखो भाई साहब, यहाँ तो फोर व्हीलर्स का खजाना रखा है दुग्गन सेठ ने, देख रहा है भाई साहब जो गाड़ी चाहिए तेरे को ले सकता है। आज तेरे बर्थडे में भाई साहब ये सारा गाड़ी मैं तेरे को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मुझे यार ये सब गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो यार कावासाकी निंजा S2R ही चाहिए यार। अबे यार सिंचन, आ जाओ, मिल गई तुम्हारी कावासाकी निंजा S2R। ये देख भाई साहब क्या ही खतरनाक गाड़ी है यार, कावासाकी निंजा S2R। अरे यार गाइस, लॉस सैंटोस में बस सिंगल पीस है, वो भी यार किसके नसीब में गई, सिंचन की। अबे सिंचन, इसकी रफ्तार जानना है तो कितना है भाई साहब, 200-300 यार, ये चुटकियों में पहुंच जाता है, चुटकियों में। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाड़ी है यार, भाई साहब यार तू इसे चलाएगा ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। देख रहे हो यार गाइस, क्या ही खतरनाक लुक लग रही है मेरी तो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था यार कि ये वाली गाड़ी भाई साहब तूने सचमुच में यार मेरे को गिफ्ट में दिया, मैं तो यार इसे एक बार चला करके देखना चाहता हूँ। भाई साहब मेरे को तो यार बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं इसे जल्दी जल्दी से यार लॉस सैंटोस में अपना घर लेकर के जाता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तुम लोग आ जाना, ये नौकर लोग को बोल देना यार कि दुग्गन सेठ का बंगला खाली हो चुका है, सबसे महंगी गाड़ी अपन ने चुरा के ले गया उसके घर से। अरे ठीक है यार सिंचन, थोड़ी आराम आराम से चला के जाना और गैराज में गाड़ी को छुपा करके रखना, हो सकता है कि पुलिस वगैरह आएंगे, समझा ना, और थोड़े धीरे धीरे चलाना यार, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक ना। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, मेरे को पता है कि लॉस सैंटोस की सबसे खतरनाक गाड़ी चुराए हैं अपन लोग ने। अरे यार इसको तो थोड़ी संभाल के ले ही जाना पड़ेगा, लेकिन यार गाइस देख रहे हो क्या ही खतरनाक तरीके से चलती है ये, तो एक बार यार मैं रोड में निकल जाऊँ उसके बाद देखूंगा कि भाई साहब इसकी रफ्तार कितनी है। ये देखो भाई साहब छोटी सी रोड में यार 100 क्रॉस कर देता है एक मिनट में, ओ भाई साहब इसको चलाने के मजे ही कुछ और है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैं तो चला भाई साहब इसकी राइड लेने के लिए, तुम लोग आ जाना यार घर में, मैं तो चला अब सीधा यार लॉस सैंटोस, और यार लॉस सैंटोस की सबसे महंगी वाली बाइक अब अपन लोग के पास में है, रोज चलेंगे यार रेस लगाने के लिए। गाइस यार आप लोग यार हैप्पी बर्थडे सिंचन लिख दो, रेस लगाएंगे उस समय दिखाएंगे यार इसकी ओरिजिनल पावर कितनी है। तो यार गाइस सिंचन तो यार निंजा S2R लेकर के चला गया है घर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं चोप और पिंचन सोच रहे थे कि यार तीनों एक एक गाड़ियां यहाँ से अपन लोग भी ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियां है ना यार वो बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी है। और इस साइड में तो यार चोपर भी दिखाई दे रहे थे मेरे को, ये देखो यार गाइस चोपर है, लेकिन भाई साहब ये क्या, यहाँ तो प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट जेट, वो भी गोल्ड की। अरे गाइस यहाँ तो भाई साहब लॉटरी लग गई अपन लोग की, तो ये देखो भाई साहब गोल्ड की यार प्लेन, इसको तो यार अपन लोग लेके ही जाएंगे अपना घर। अरे यार मैं तो गिर ही गया। अरे यार गाइस फाइनली यार यहाँ पे बहुत कुछ है अपन लोग के लिए, हम लोग यार सचमुच में यार अमीर बन जाएंगे। दुग्गन सेठ तो भाई साहब है नहीं, वो तो यार फॉरेन चला गया है दूसरे कंट्री में, और उसके आदमियों को तो यार मैंने मार दिया है। भाई साहब दुग्गन सेठ के पास में ये देखो बहुत ही महंगी वाली चोपर, और ये है फाइटर जेट, यानी कि भाई साहब अगर मिलिट्री वाले अपन लोग के पास में यार अटैक करते हैं तो उसको तो भाई साहब इस प्लेन से ही अपन लोग टपका देंगे। पीछे देखो भाई साहब क्या ही खतरनाक इंजन लगी है इसके अंदर में। तो यार हमने सोच क्या रखा था कि यार इसके घर में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं चोप और पिंचन सबके सब भाई साहब इसको घर ले चलते हैं। अबे यार फ्रैंकलिन किधर चला गया तू, भाई साहब ये वाली कार जो है ना मेरे को चाहिए, चल यार इसे अपना घर ले चलते हैं, आ जा तू जल्दी इधर आ। अरे हाँ यार चोप आ रहा हूँ। भाई साहब मेरे को यार प्लेन पसंद आई है ले जाने के लिए,
तू यार चोप क्या ले जाना चाहता है? अरे यार फ्रैंकलिन, ये वाली गाड़ी मेरे को पसंद है, इसको मैं लेके जाऊंगा और पिंचन ये रेड वाली गाड़ी लेकर के जाएगी। तो यार गाइस, चोप और पिंचन भी फाइनली एक एक गाड़ी सेलेक्ट कर ली है और मैं सोच रहा था कि ये ब्लैक वाली जो कार है ना यार, ये मिलिट्री कार लग रही है मेरे को, मैं यार इसको लेकर के जाऊंगा अपना घर। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।